मैं आप सबकी भरपूर तालियों में बुलाता हूँ आपके कैंडिडेट अब्दुल जब्बार खान साहब, भरपूर तालियां होनी चाहिए। तो मुझे यकीन है कि 8 फरवरी को हम इंशाल्लाह ताला NA 219 की सीट भी निकालेंगे और साथ में PS की सीट भी निकालेंगे। अली मोहम्मद सेतो साहब और जब्बार साहब, दोनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों की खिदमत आवाम से ढक चुकी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 62 के नामजद उम्मीदवार अब्दुल जब्बार खान ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में गुलशन खैर मोहम्मद में मुनक्किद किए गए एक शानदार जलसे में शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए PS 62 अब्दुल जब्बार खान के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार NA 219 अली मोहम्मद सेतो भी मौजूद थे। अब्दुल जब्बार खान और अली मोहम्मद सेतो ने खिताब करते हुए कहा कि पख्तून जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, हल्के की आवाम की पहले भी खिदमत की है, आइंदा भी करेंगे, खिदमत के तसलसल को जारी रखेंगे। इस मौके पर गुलशन खैर मोहम्मद में इलेक्शन ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाजे हो के जलसे का इनेकाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लाला लतीफ खान, सुलेमान खेल पठान और आमिर शाह खरोटी और उनकी बरादरी की जानिब से किया गया। इस मौके पर गुलशन खैर मोहम्मद के मौजूद बुजुर्गों और नौजवानों ने PS 62 के उम्मीदवार अब्दुल जब्बार खान और NA 219 के उम्मीदवार अली मोहम्मद सेतो का वालियाना इस्तकबाल किया। जलसे में गुलशन खैर मोहम्मद के रिहायशी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जलसे के मेजबान लाला लतीफ खान, सुलेमान खेल और आमिर शाह खरोटी ने आए हुए तमाम मेहमानों को सिंध की सकाफती अजरक का तोहफा पेश किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की जानिब से आतिशबाजी और रिवायती पख्तून अतन भी किया गया। अरबाज अवान, एशियन न्यूज, हैदराबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।